Hello everyone, welcome to my channel VS Education Shab. Today I am here to discuss IBBS RRB Clerk 2019. जिनका भी exams हुआ है उनसे कुछ questions मैंने एक तरह से कह सकते हैं questions मैंने लिए हैं, कुछ मेरे friends ने भी मेरे को questions भेजे हैं. सर ये questions आए थे एक तरह से कह सकते हैं, कुछ ही questions, ज़्यादा questions नहीं है, only for 4 से 5 questions ही मिले जो important questions थे. All over paper are very easy papers था, ज़्यादा इतना tough papers नहीं आया था. कुछ arithmetic के questions मैं आपके साथ discuss करना चाहता हूँ, बहुत ही important questions एक तरह से हैं, तो आने वाले जिनका भी नेक्स्ट एग्जाम्स है उनसे बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो. तो प्लीज़ आपके अपने फ्रेंड के साथ जिनका भी एग्जाम्स है आपने अगर दे दिया तो क्वेश्चन शेयर कीजिएगा. अगर आपका एग्जाम्स नहीं हुआ है तो आपके लिए तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर आपने दे दिया तो प्लीज़ क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि वह भी देख सके जिनका भी कल एग्जाम्स है. ओके आइए स्टार्ट करते हैं सेशन. एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड के साथ एंड लाइक कर लीजिएगा वीडियो को. ओके देखिए चलते हैं क्वेश्चंस पे. देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस ये मेरे को बना है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने टाइप करके आपके लिए बनाए हैं, ताकि कुछ स्टूडेंट के हिंदी में प्रॉब्लम, कुछ स्टूडेंट की इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है तो उनके लिए हिंदी भी अवेलेबल है. ओके रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:3, यानी कि दो नंबर्स है एंड डिफरेंसेज बिटवीन देयर क्यूब्स, दोनों के क्यूब्स के डिफरेंसेज के बेसिस पर ट्रिपल नाइन, दोनों के क्यूब का डिफरेंस है जो 999 है. ओके फाइंड द नंबर, दोनों का नंबर यानी कि 4x और 3x की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन में कहना चाहता है. आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा, बिल्कुल इजी लेवल पे क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा टफ लेवल पे नहीं. एक क्वेश्चन था वो टफ था, वो हम अपन डिस्कशन करेंगे. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आई होप आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी. देखिए क्यूब डिफरेंस इज देयर क्यूब्स, इनके क्यूब्स आपको मालूम है 4 का क्यूब 64, तुरंत एकदम रैंडमली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करना है. क्यूब 4 का क्यूब एंड 3 का क्यूब 27, इनका डिफरेंस है ये कह रहा है 999. ओके तो क्यूब अब ध्यान रखिएगा, दोनों का एक्स का क्यूब की बात हो रही है, अपन क्यूब की एंड में लेके चलेंगे. 64 माइनस 27, ओके 7 27 7 एंड 5 माइनस 2 इजिकल टू 3. ओके 3 ओके तो ये x का क्यूब है, नॉट ओनली 4, ये x का क्यूब है. ओके x का क्यूब इज इक्वल टू 99. ओके अब देखिए 37 का मैंने बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताई थी, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने वीडियोस अपलोड किया था, उसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में 37 से मल्टीपल एक क्वेश्चंस आया था, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से 37 का मल्टीपल. इसमें इस क्वेश्चन में ओनली 37 से मल्टीपल ही है, अगर जिनको आता है वो एकदम से 5 से 10 सेकेंड में कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन बहुत टाइम लेंगे, सॉल्व तो करेंगे लेकिन बहुत टाइम लेंगे. देखिए 36 मल्टीपल होता है 111, 3 times आता है, इसको आप 11 into 3 times लिख सकते हैं, राइट 11 into 3 times, सॉरी 9 times, सॉरी 9 times, क्योंकि 99 है. ओके 9999 है. ओके तो इसको आप लिख सकते हैं, तो 37 से सीधा सीधा मल्टीपल हो रहा है एकदम 3 times. ओके 3 times एंड एक्स की क्यूब की वैल्यू आपको रिमेंबर रहेगी, एक्स क्यूब की वैल्यू 9 × 3 = 27 भी कर सकते हैं. ओके तो एक्स की वैल्यू क्यूब इधर चला जाएगा 3. ओके एक्स की वैल्यू 3 अपने पास रिमेनिंग आई, तो अपन 4x की वैल्यू और 3x की वैल्यू दोनों की वैल्यू पूछी है, तो 4x 4 × 3 = 12 एंड 3 × 3 = 9, दोनों की वैल्यू यानी कि 12 और 9 बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर, यानी कि x की वैल्यू आप यहाँ पुट अप करिए इसमें 4 × 3 = 12 एंड 3 × 3 = 9. ओके आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा आपको क्वेश्चंस. देखिए क्वेश्चंस जो आपने भेजे हैं वही क्वेश्चंस डिस्कशंस करूँ, आई होप आपने एग्जाम्स लिया होगा उसमें पता चला होगा आपको. ओके अगर नहीं दिया तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस के लिए ही मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट. देखिए सेकेंड क्वेश्चन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए अ शॉपकीपर हैड अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉटल्स, ही सोल्ड 3/4, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, उसको एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम था, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था. 3/4 ऑफ द बॉटल्स एंड अ प्रॉफिट ऑफ 20%. देखिए 20% बोतल्स को 3/4 में, 3/4 कुछ बोतल्स है उसके पास, सपोज ये एक्स बोतल्स है राइट, इसकी 3/4 आपको वो बेचता है 20% प्रॉफिट, 20% की प्रॉफिट की आपको फ्रैक्शंस वैल्यू मालूम होनी चाहिए 1/5. ओके एंड देन बिकम्स, देखिए एंड रिमेनिंग बोटल्स एंड रिमेनिंग 3/4 का रिमेनिंग रहा अपने एक्स इंटू 1/4,
1/4 रिमेनिंग रहा एंड टू, ये कितने परसेंट प्रॉफिट में, एंड 30% प्रॉफिट, 30% आपको मालूम है 3/10, राइट। ओके देखिए क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करेंगे तो ही आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एंड प्रॉफिट एंड 2160 दोनों को मिला के इसने प्रॉफिट एंड किया था 2160, राइट 2160। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉटल्स, बोतल की कॉस्ट प्राइस अपने को फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए दोनों को मिला के, देखिए 3x अपने को 100 की वैल्यू चाहिए मोस्ट ऑफ प्रॉपरली, यही क्वेश्चन कहना चाहता है। 3x अपॉन 20, राइट, और इसका सॉल्व 3x अपॉन 40, राइट अपॉन 40 तो इजिकल टू 12160, राइट। तो यहां पर अपन एलसीएम ले सकते हैं 40 टू टाइम्स सिक्स टाइम्स प्लस थ्री टाइम्स, यानी कि 9 times 9x अपॉन 40, राइट इजिकल टू 2160। अब 9 से ये सीधा सीधा मल्टीपल हो रहा है, सीधा सीधा एक तरह से निकाल सकते हैं 9 2 18 एंड 3 9 4 20 9 4 36 एंड 240 लाइक 240 into 40 का डबल 480 480 के बाद 960, यानी कि 9600 इज द करेक्ट आंसर। ओके इफ दिस क्वेश्चन ए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके 9600 कॉस्ट प्राइस पूछिए अपने को, 100 की वैल्यू अपने को पूछी है, तो अपन इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए ऐसे क्वेश्चंस। देखिए अगर आपको क्वेश्चंस अच्छा लगा, ऐसे क्वेश्चंस जो रिमेंबर थे उनको वही क्वेश्चंस डिस्कशंस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, तो प्लीज क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, सॉल्यूशंस देख ही लीजिएगा। ओके इफ यू लाइक द माय एफर्ट, इफ यू लाइक द क्वेश्चंस, इफ यू लाइक द सॉल्यूशंस, तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड के साथ एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को, ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, और भी स्टूडेंट क्वेश्चंस को देख पाएं जिनका भी एग्जाम्स है नेक्स्ट, जो उनका भी टुमारो एग्जाम्स है वो अच्छे से देख पाएं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं अपन मूविंग ऑन 3 नंबर क्वेश्चंस पे। ओके देखिए बहुत ही इजी था, एमआरपी देखिए एमआरपी 250 मोर देन सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस से 250 मोर देन है सीपी, डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट आपको मालूम है 15% एंड ऑल्शो 27.5% प्रॉफिट एंड फाइंड द सीपी, सीपी की वैल्यू बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको, अगर रेगुलर स्टूडेंट है मेरे तो 100% मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है। एमआरपी फाइंड आउट करने का, एमपी सीपी फाइंड आउट करने का मैंने आपको बताया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट का, 100 माइनस सीपी में डिस्काउंट परसेंटेज, बिल्कुल शॉर्ट टर्म, अगर आप उससे रिलेटेड बेसिक पर चलेंगे तो 100% ये क्वेश्चन लॉन्ग हो सकता है, अगर टाइम भी आपका बिल्कुल पूरा का पूरा एक तरह से कंज्यूम हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में। ओके देखिए 100 प्लस प्रॉफिट आपको मालूम है 27.5, यानी कि 127.5, राइट एंड देन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क एंड डिस्काउंट आपको 15%, तो 100 माइनस डिस्काउंट 15% 20 85। ओके अब इसको निकाल लीजिए क्रॉस, यानी कि इसको एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल, यहाँ पर जीरो लगाइए और इसको एक तरह से कह सकते हैं अब 25 से मल्टीपल कर सकते हैं 25 से। ओके 25 4 5 जा राइट 5 जा एंड 5 2 रिमेनिंग एंड 51। ओके 51 एंड 25 से इसको मल्टीपल कीजिए 25 2 50 एंड 35। ओके 35 रिमेनिंग 25 आप 3 times भी कर सकते हैं 75 एंड आप एंड रिमेनिंग रहा 10 एंड 4 times। ओके 24 4 100 अब 17 से आप डिवाइड कर सकते हैं 17 3 and 17 2 3/2, यानी कि MRP और CP अपने पास 2 रिमेनिंग आई। अब पूछा MRP CP की तुलना में 250 अधिक है, यानी कि MRP इज मोर देन 250, यानी कि एक की वैल्यू अपने पास 250 कह सकते हैं, एक की वैल्यू अपने पास 250 250 एंड अपने पास पूछा CP अपने पास 2 गिवन है एंड देन 2 की वैल्यू इसका डबल कर दीजिए 2 की वैल्यू 500, राइट
500 is the correct answer of this question. B option is the correct answer. Okay, B option is the correct answer of this question. I hope so guys clear हुआ होगा questions आपको समझ में आएगा. फिर भी कोई भी questions में doubt हो, अगर आपके पास भी questions हो तो please comment box में comment share कीजिएगा questions, ताकि other भी students भी देख सकें, उसका हम solutions भी आपको provide करा सकूँ. अच्छे से आपने exams दिया होगा तब आपको remaining होगा. कुछ लोगों को remember नहीं रहता, कुछ को students को remember रहता है तो वो बता देते हैं questions. ओके, तो अगर आपको भी remember है तो प्लीज शेयर कीजिएगा फ्रेंड के साथ भी, अब कमेंट बॉक्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स देख पाए. ओके, मूविंग ऑन, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिए टू इनलेट्स पाइप है, ये एक पाइप सिस्टम का क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी था. विद इन 10 to 15 सेकेंड में, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है मेरे, एन एम्प्टी टैंक 36 आवर्स में, एक एम्प्टी टैंक है, फिल करते हैं एम्प्टी टैंक को 36 आवर्स में. ओके, 36 आवर्स में एंड 60 आवर्स में. ओके, 60 आवर्स में, दो घंटे एक तरह से कह सकते हैं, इसका 36 में एक पाइप फिल करता है एंड एक 60 घंटे यानी 60 आवर्स में फिल करता है. दोनों का एलसीएम लिया, देखिए हाउ मच टुगेदर फिल वन सिक्स ऑफ द टैंक, यानी कि टैंक का 1/6 पार्ट कितनी देर में ये भरेंगे. अब दिस क्वेश्चन यही क्वेश्चन में पूछना चाहता है, तो इनका एलसीएम लेगी 36 और 60, 180 का 180 एलसीएम आया. ओके, 180 राइट, 180 एलसीएम इन थ्री टाइम्स एंड थ्री टाइम्स, अब थ्री टाइम्स और 180 एक तरह से कह सकते हैं, इसको आप मल्टीपल करेंगे 5 टाइम्स राइट, 5 टाइम्स बिल्कुल सही, 5 टाइम्स एंड 8 टोटल्स रिमेनिंग्स 8 अपने पास. अपने को 160 भाग फिल करना है, तो 160 इसका 160 कितना हुआ, 160 30. ओके, 160 इसका 160 1/6 करना है अपने को, 1/6 यानी कि 1/6 इसका 6 से इसको मल्टीपल किया. देखिए 180 का मैं ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, जो न्यू स्टूडेंट है उनको नहीं समझ में आएगा इस टाइप से. 6 से 3 टाइम्स यानी कि 30 भाग अपने को फिल करना है 8 आवर्स, 8 में जो एफिशिएंसी इनकी आई है 8 में. ओके, तो 8 का मल्टीपल आप कह सकते हैं 15 अपॉन 4, पूरा निकालना पड़ेगा, 4 3 4 3 12 एंड 3 रिमेनिंग एंड 7 एंड 2 एंड 7 एंड 5 सॉरी एंड 7 एंड 5 क्योंकि 4 5 20. ओके, बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, आई होप शो गाइस क्लियर हुआ होगा. अगर आपको कुछ सेशंस अच्छा लग रहा है प्लीज़ माई डियर फ्रेंड्स सेशंस को शेयर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा अच्छे से एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि वह भी इस टाइप के क्वेश्चन देख पाएँ, अच्छे से जान पाएँ, ताकि उनका भी एग्जाम अच्छे लेवल पर कंडक्ट हो पाए. ओके, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्वेश्चन आपके पास भी है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि उसका सॉल्यूशंस मैं आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करा सकूँ और कुछ स्टूडेंट भी अच्छे से देख पाएँ. ओके माई डियर फ्रेंड्स, आइए सेशंस एंड अप करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग्स एंड शेयरिंग्स. आई होप आपने को सेशंस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा सेशंस को, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम. ओके.